बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर बायोलॉजी क्लास। बायोलॉजी की क्लास में खुशामदीद। आपने बायोलॉजी 9 क्लास में मुकम्मल तौर पर पढ़ ली थी, आपको तमाम चैप्टर्स पढ़ा दिए गए थे। अब आप मैट्रिक में आ गए हो और अब आपने मैट्रिक की बायोलॉजी को स्टडी करना होगा। पहली बात तो याद रखिएगा, मैंने पिछले साल भी आपको बताया था, आप कराची में रिसेंटली वो पहले बैच है जो 9 के साथ साथ मैट्रिक में भी बायोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है, आपसे पहले पहले तक सिर्फ 9th में बायो होती थी और मैट्रिक में बायो नहीं होती थी, लेकिन अब आपके साथ आने वाले तमाम जितने भी 9 मैट्रिक के स्टूडेंट होंगे वो इस सब्जेक्ट बायोलॉजी को ना सिर्फ 9th क्लास में पढ़ेंगे बल्कि मैट्रिक क्लास में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए एक नई बात हो जाती है कि मैट्रिक में भी अब हमने बायो को स्टडी करना है। अच्छी बात है ये, क्योंकि जो बायोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं, जो आगे जाके डॉक्टर्स बनने का ख्वाब देख रहे होते हैं, जो डॉक्टर्स बनते हैं, तो अब जब 9th में बायो पढ़ते हैं तो मैट्रिक में बायो जब वो नहीं पढ़ते गैप आ जाता है एक साल का। 9th में बायो पढ़ी जी, बहुत अच्छे तरीके से समझ ली, लेकिन मैट्रिक में बायोलॉजी को हाथ नहीं लगाया, बायोलॉजी को पढ़ा नहीं, दूसरे सब्जेक्ट पढ़ लिए, तो जब वो इंटर में जाते हैं, फर्स्ट ईयर में जाते हैं, तो बायोलॉजी के बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट वो भूल चुके होते हैं। ये एक नुकसान देखा जाता था अक्सर, तो इंटर का जो बच्चा होता था वो बायोलॉजी को समझ लो बिल्कुल बायोलॉजी के लिए फ्रेश होता था, उसको बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं जहन में होते थे। यही चीज देखते हुए ये रखा गया है कि गैप खत्म कर दिया जाए कंटिन्यूसली। ये जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं ये आप कंटिन्यूसली पढ़ो, मैथ, फिजिक्स, कंप्यूटर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, 9th में भी पढ़ो, मैट्रिक में भी पढ़ो, फर्स्ट ईयर में भी, सेकेंड ईयर में भी। तो अब ये फायदा होगा आपको कि आपके पास बायोलॉजी में गैप नहीं आ रहा, आप बायोलॉजी कंटिन्यूअस पढ़ोगे। 9th में भी आपने बायोलॉजी पढ़ी, मैट्रिक में भी आप बायोलॉजी पढ़ोगे, तो जब आप इंटर में जाओगे आपको बायोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट ना सिर्फ याद रहेंगे बल्कि आप बायोलॉजी पढ़ पढ़ के बायोलॉजी में एक्सपर्ट हो जाओगे कुछ हद तक। सवाल जवाब याद करना आसान हो जाएगा, समझना कॉन्सेप्ट समझना आसान हो जाएगा, आपको काफी हद तक इंटर के अंदर बायोलॉजी आसान लगेगी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। तो अच्छी बात है, बायोलॉजी समझा रहे क्या है तो हमने बायोलॉजी, हमने जब मैट्रिक में बायोलॉजी पढ़ेंगे तो ये हमारे फायदे के लिए, हमारे लिए बायोलॉजी 9th में भी पढ़ी, मैट्रिक में भी पढ़ी, तो हमारे लिए इंटर में बायोलॉजी को पढ़ाना आसान हो जाएगा। बायोलॉजी से हम काफी फेमिलियर हो चुके होंगे, बायोलॉजी के बेसिक टर्म्स हमें बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में बैठे भी होंगे, तो हमें इंटर में बायोलॉजी पढ़ना आसान हो जाएगा। उसके बाद आपने दूसरी बात ये देखी थी कि आपकी 9th की बायो की जो बुक थी वो चेंज हो गई, एक नई बुक आई थी और आपने उस नई बुक को स्टडी किया था, याद है ना आपको? आपकी 9th की बायोलॉजी में आपको एक नई बुक दी गई थी बोर्ड की तरफ से, 9 चैप्टर्स पर मुश्तमिल थी वो बुक, और आपने उस नई बुक को स्टडी किया था। काफी टॉपिक्स उसमें थे, अच्छे भी थे, मुश्किल भी थी, आसान भी थे, मजेदार भी टॉपिक्स थे। सिमिलरली अब आपके पास जो मैट्रिक क्लास के अंदर बायोलॉजी है उसके लिए भी बोर्ड ने एक नई बुक बनाई है, इधर भी आपके लिए क्या है, एक न्यू बुक लॉन्च हुई है जी, न्यू बुक आई है आपके पास सिम बोर्ड की तरफ से, मैट्रिक बायोलॉजी के लिए एक नई बुक दी गई है। अभी उसका पीडीएफ वर्जन चल रहा है, अभी वो मार्केट में नहीं आई है। आपको याद होगा जैसे पिछले साल हुआ था ना, जब बुक नई आई थी तो उसका पीडीएफ वर्जन चला था, 1-1.5 महीने बाद में वो बुक मार्केट में अवेलेबल थी। तो सिमिलरली अभी भी जो आपकी मैट्रिक क्लास की बायोलॉजी की बुक है वो अभी सिर्फ पीडीएफ वर्जन है, आपको इंटरनेट पे डाउनलोड तो मिल जाएगा उसका, आप डाउनलोडिंग लिंक ले लोगे, डाउनलोड कर सकते हो बोर्ड की वेबसाइट पे, लेकिन आपको अभी वो मार्केट में नहीं मिलेगी, 1-1.5 महीने बाद आप मार्केट में आएगी तब आप परचेस कर लिएगा उसको। तो नई बुक है जी, थोड़ा सा नई बुक के हवाले से बात करें अगर हम बायोलॉजी की, तो आपकी जो बायोलॉजी की बुक है इसमें भी 9th क्लास की बुक की तरह 9 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 9 तक, यानी 9th क्लास में भी आपने बायोलॉजी में 9 चैप्टर्स पढ़े, मैट्रिक में भी आप बायोलॉजी में 9 चैप्टर्स पढ़ोगे एक बार। ठीक है, यानी सेम तादाद है चैप्टर्स की, इवन के चैप्टर्स जो है वो थोड़े से बड़े बड़े हैं, 9th के चैप्टर में जैसे 1-2 चैप्टर थोड़े छोटे थे, यहाँ तकरीबन हर चैप्टर 20-22 सफों पर मुश्तमिल है, तकरीबन हर चैप्टर थोड़ा सा लेंथी रहता है। उसके बाद ये जो बुक है ये कंटिन्यूटी में है, ये बुक जो है ये आपकी कंटिन्यूटी में है, कंटिन्यूटी टू 9th क्लास, क्लास 9th बुक कंटिन्यूटी है जी आपकी 9th क्लास की बायोलॉजी की बुक की, यानी कि आपकी बायोलॉजी की बुक 9th क्लास की जहां खत्म हुई है, मैट्रिक क्लास की बायोलॉजी की बुक उससे आगे से बनी है,
कंटिन्यू है, यानी अगर आप तरतीब तरीके से तरतीब देते तो आपकी बायोलॉजी की बुक खत्म होती चैप्टर 9 पर, तो मैं होता तो मैं यहाँ मैट्रिक की बुक के पहले चैप्टर को चैप्टर 10 कहता, क्योंकि कंटिन्यूटी में। तो यानी कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि आपकी बायोलॉजी में आपने जहां तक 9th क्लास में पढ़ा है ना, जिस टॉपिक तक, अब उससे आगे पढ़ोगे, उन्हीं को नहीं पढ़ोगे दोबारा, उससे आगे पढ़ोगे। अगर आप याद करें, स्पेसिफिक याद करें, स्पेसिफिक बात करूं अगर मैं, तो हमने 9th क्लास में आखिर के 2 चैप्टर में क्या किया, एक चैप्टर नंबर 8 था, इसमें हमने न्यूट्रिशन नाम था इस चैप्टर का, और आपको याद होगा हमने इसमें ह्यूमन का एक सिस्टम पढ़ा था जिसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन नाम था, 9th क्लास की बात कर रहा हूँ, और इसमें हमने कौन सा सिस्टम पढ़ा था, ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद जो आखिरी चैप्टर आया था चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम था ट्रांसपोर्ट, हमने उसमें ह्यूमन का दूसरा सिस्टम पढ़ा था, सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी ह्यूमन के अंदर हमने सिर्फ 2 सिस्टम पढ़े अब तक 9th में, 2 सिस्टम पढ़े, बाकी सिस्टम कहाँ है वो अब हम मैट्रिक में पढ़ेंगे। तो मैट्रिक में जो आपकी बुक का पहला चैप्टर होगा गैसेस एक्सचेंज नाम है उसका, उसमें आप ह्यूमन का तीसरा सिस्टम पढ़ोगे, रिस्पायरेटरी सिस्टम। फिर जो मैट्रिक बुक का चैप्टर 2 है, आप उसमें ह्यूमन का एक और सिस्टम पढ़ोगे, कौन सा, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, कंटिन्यूटी हो गई। ये नहीं है कि आप दोबारा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, दोबारा सेल्स पढ़ेंगे, दोबारा टिश्यूज पढ़ेंगे, नहीं, जहां तक पढ़ा है उससे आगे पढ़ना शुरू करोगे आप। इसी तरह चैप्टर 3 जो है उसमें दूसरा एक और 5वां सिस्टम आएगा, नर्वस सिस्टम ह्यूमन का, फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आपने जहां तक फंक्शनल बायोलॉजी पढ़ रहे थे, सिस्टम्स हम पढ़ रहे थे, तो जहां तक हमने सिस्टम्स छोड़े हैं हम उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो ये आपकी 9th क्लास आपने यहाँ छोड़ी है, यहाँ से आपकी मैट्रिक शुरू होती है, समझ आई बात। तो ये बुक आपकी कंटिन्यूटी में हो गई, 9th क्लास की कंटिन्यूटी में हो गई। अब जरा अगर हम 9th क्लास को रिपीट करें, 9th क्लास में हमारे पास चैप्टर 1 जो था उसमें हमने क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा। ठीक है जी, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, बायोलॉजी का क्या इंट्रोडक्शन होता है, बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी क्यों पढ़ी जाती है, बायोलॉजी की इंपॉर्टेंस क्या है। फिर जो चैप्टर 2 था हमने उसमें बायोलॉजिकल मेथड पढ़ा था, बायोलॉजिकल मेथड पढ़ा था, यानी बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है, बायोलॉजिस्ट अगर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो कौन सा मेथड अपनाते हैं, उसमें क्या क्या करना पड़ता है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। फिर चैप्टर 3 जो था हमारा वो कौन सा था, जिसमें हमने बायोडाइवर्सिटी पढ़ी, बायोडाइवर्सिटी पढ़ी हमने, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो इतने सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमने इनको किस तरीके से डिवाइड किया हुआ है ग्रुप्स में। सबसे बड़े ग्रुप जो होते हैं वो किंगडम्स होते हैं, फिर फाइलम होते हैं, तो फिर किंगडम्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से किंगडम्स होते हैं, हर किंगडम का क्या करेक्टर होता है। फिर चैप्टर 4 जो आया था 9th क्लास में हमने उसमें पढ़ा सेल्स एंड टिश्यूज, सेल्स क्या होते हैं, बायोलॉजी में सेल्स सेल्स बहुत होता है, तो ये होते क्या है सेल्स। फिर सेल्स कंबाइन होकर जो टिश्यूज बनते हैं, तो एनिमल्स में कौन कौन से टिश्यूज होते हैं, प्लांट में कौन कौन से टिश्यूज होते हैं। फिर चैप्टर 5 आया था जी जिसमें हमने एंजाइम्स पढ़े थे, एंजाइम्स क्या होते हैं, इनके करेक्टर्स क्या होते हैं, ये काम कैसे करते हैं। फिर चैप्टर 6 आया था जी जिसके अंदर हमने सेल साइकिल पढ़ी थी, सेल साइकिल क्या होती है, सेल डिवीजन क्या होता है, 2 टाइप्स जो होती है इसकी, माइटोसिस मायोसिस, उनको हमने पढ़ा था। फिर चैप्टर 7 आया था जिसके अंदर हमने बायो एनर्जेटिक्स नाम था, और इसमें हमने 2 बड़े मेटाबॉलिक प्रोसेस पढ़े थे, फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन, क्या होते हैं ये फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन, और कैसे होते हैं, कौन कौन से स्टेजेस होती है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, हर चीज को डिटेल में पढ़ा था। फिर आया था आपका ये चैप्टर 8 जिसका नाम था न्यूट्रिशन, जिसमें आपने जो है वो खाने से मुतालिक मालूमात हासिल की थी, और फिर इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था। फिर चैप्टर 9 आया था सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें आपने जो है वो ब्लड हार्ट इससे रिलेटेड सिस्टम होता है वो पढ़ा था, और ह्यूमन का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है कैसा होता है, किस तरह काम करता है, ये पढ़ा था। ये है आपकी 9th की बायोलॉजी। अब आपकी जो मैट्रिक की बायोलॉजी यहाँ से कंटिन्यू होगी, चैप्टर नंबर 1 आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का होगा, चैप्टर नंबर 2 एक्सक्रीटरी, तो कंटिन्यूटी हो जाती है जी, ये आपकी 9th क्लास की बायोलॉजी अब कंटिन्यू होके मैट्रिक की बायोलॉजी बन रही है। तो ये तो आई होप आपकी बात समझ में आ गई होगी कि कंटिन्यूसली से क्या मुराद है, क्या समझाना चाह रहा हूं। अब चूंकि मैं देखता हूं कि मेरे पास जो मैट्रिक की बायोलॉजी की बुक है वो 9th से जुड़ी हुई है, 9th के बाद जहां पर हम 9th छोड़ के आ रहे हैं उसी से आगे पढ़नी है, सही कह रहा हूं ना। अब मेरे पास जो बायोलॉजी की बुक है
वो मुझे 9th क्लास जहां पे मैं छोड़ के आ रहा हूँ मुझे वहां से आगे पढ़नी। इसके लिए जरूरी ये है कि मुझे 9th क्लास में मैंने जितनी भी चीजें पढ़ी है वो सब मेरे जहन में अच्छे तरीके से बैठी भी होनी चाहिए। जरूरी है ये चीज कि आपके पास आपने 9th क्लास की बायोलॉजी में जो जो टर्म्स पढ़ा है, जो जो चीजें पढ़ी है, हर चीज आपके जहन में बैठी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 9th क्लास में वो टॉपिक्स पढ़े, समझे, पेपर में याद किया, पेपर दिया, उसके बाद अब आप भूल जाओ। नहीं, आपको अभी भी जहन में होनी चाहिए क्योंकि अभी आपकी जो 9th क्लास के बाद जो मैट्रिक क्लास की बायोलॉजी है वो उससे जुड़ी हुई है। मिसाल के तौर पे आपको ये सेल पता होना चाहिए, सेल्स क्या होते हैं, टिश्यूज पता होना चाहिए, टिश्यूज क्या होते हैं, कौन कौन सी टाइप्स होती है टिश्यूज की, कौन सा टिश्यू कहाँ पाया जाता है, ये पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये टर्म्स आपके नीचे यूज होंगी, ये टर्म्स आपकी जो है वो यूज होंगी। अभी आप मैट्रिक क्लास में जब सिस्टम्स पढ़ोगे वहां जगह जगह आएगा सेल, ये मस्कुलर सेल से बना हुआ होता है, ये नर्वस टिश्यू से बना हुआ होता है, ये न्यूरॉन्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए न्यूरॉन्स होते क्या है, आपको पता होना चाहिए टिश्यू क्या होता है, आपसे कहा जाएगा ये सेल से बना हुआ, आपको पता होना चाहिए सेल क्या है। जगह जगह टर्म यूज होगा कि ये यूकैरियोटिक होता है, ये प्रोकैरियोटिक होता है, आपको पता होना चाहिए यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक क्या होता है। तो हमने 9th क्लास में ऐसे बेतहाशा टॉपिक पढ़े हैं जी, इस 9 चैप्टर्स में हमने ऐसे बेतहाशा टॉपिक पढ़े, ऐसे बेतहाशा बेसिक बातें सीखी है जो हमें अब मैट्रिक में सिखाई नहीं जाएंगी, बस सिर्फ यूज होंगी। वहां ये नहीं बताया जाएगा सेल क्या होता है, वहां ये नहीं बताया जाएगा प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक क्या होता है, हेटरोट्रॉपिक क्या होते हैं, वहां सिर्फ इन वर्ड्स को यूज किया जाएगा, मैट्रिक में इन वर्ड्स को सिर्फ यूज किया जाएगा। पता आपको खुद होना चाहिए, खुद पता होना चाहिए प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉप हेटरोट्रॉप सेल टिश्यू ये क्या है। 9th क्लास आपको जरूरी है उस वक्त रिवाइज करना ताकि आपकी मैट्रिक क्लास को आप आराम से समझ सको। तो इसलिए मैं थोड़ा सा 9th क्लास के कुछ मेजर मेजर टॉपिक्स को रिवाइज करूंगा 1-2 दिन के अंदर। मैं भी मैट्रिक क्लास की बायोलॉजी स्टार्ट नहीं कर रहा, मैं 1-2 दिन में आपको 9th क्लास के कुछ मेजर मेजर टॉपिक्स हैं उनको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ ताकि वो टॉपिक्स आपके जहन में बैठ जाए। फिर जब आप मैट्रिक क्लास की बायोलॉजी को स्टार्ट करोगे वो टर्म्स वो चीजें जब यूज होंगी आपको पता होनी चाहिए। तो हम करेंगे क्या, हम थोड़ा सा 9th का रिव्यू करेंगे, वापिस रिव्यू ऑफ क्लास 9th क्लास में जो हमने बेसिक बेसिक चीजें पढ़ी। अभी हम मैट्रिक की बात नहीं कर रहे, ये जो 9th क्लास और 9th क्लास के ये जो 9 चैप्टर है, 9 चैप्टर में जो हमने बेसिक बेसिक बातें पढ़ी है, सारी तो नहीं पढ़ सकता जाहिर बात है, तो पूरा साल जो चीज पढ़ी है वो मैं आपको 2 दिन में नहीं बता पाऊंगा। तो सारी चीजें नहीं, बेसिक बेसिक काम काम की जो मालूमात है, जो टर्म्स है, उनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 1 था जी इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर में आपने देखा था कि बायोलॉजी क्या होती है, बायोलॉजी की कौन कौन सी मेजर ब्रांचेस है, बायोलॉजी हम क्यों पढ़ते हैं, बायोलॉजी के अंदर जो है वो पढ़ने से कौन कौन से करियर्स डिवेलप किए जा सकते हैं, और आखिर में आपने देखा था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और फिर यूनिसेलुलर कॉलोनियल और मल्टी सेलुलर। अब गौर से सुनते रहिएगा, रिकॉर्डिंग हो रही है, आप चाहे तो इस वीडियो को बार बार रिपीट भी करते रहिएगा। मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 1 में कि बायोलॉजी साइंस की वो ब्रांच होती है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी जानदारों के बारे में पढ़ते, बेजान चीजों को हम बायोलॉजी में नहीं पढ़ते। मैंने आपको बताया था कि बायोलॉजी में 3 फंडामेंटल ब्रांचेस होती है, एनिमल्स को पढ़ने के लिए है जूलॉजी, प्लांट्स को पढ़ने के लिए है बॉटनी, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पढ़ने के लिए है माइक्रोबायोलॉजी। एनिमल्स किन्हें कहा जाता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को आप एनिमल कहते हो जो हेटरोट्रॉप होते हैं। प्लांट्स किनको कहा जाता है, ऐसे एनिमल्स को, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को प्लांट कहा जाता है जो ऑटोट्रॉप होते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किनको कहा जाता है, वो ऑर्गेनिज्म जो इतने छोटे हैं कि आपको सिर्फ माइक्रोस्कोप से नजर आते हैं, उनको आप माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अब ये एनिमल्स जिनको हम हेटरोट्रॉप कह रहे थे, ये हेटरोट्रॉप ऑटोट्रॉप क्या होता है, तो हेटरोट्रॉप कहा जाता है उन ऑर्गेनिजम्स को जो अपने जिस्म के अंदर खाना नहीं बना सकते, जैसे कि हम हो गए, इंसान हो गए, एनिमल्स हो गए, ये हेटरोट्रॉप होते हैं, हमारे जिस्म में खाना नहीं बनता, हम बाहर से हासिल करते हैं। ऑटोट्रॉप कहा जाता है उन ऑर्गेनिजम्स को जो अपने बॉडी के अंदर खाना बना लेते हैं, बना सकते हैं जी, और हमने चैप्टर सेवन में उस प्रोसेस को भी पढ़ा था, उसका नाम था फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट्स वगैरह जितने भी होते हैं ये अपनी बॉडी के अंदर फोटोसिंथेसिस के जरिए खाना तैयार कर लेते हैं, ग्लूकोज तैयार हो जाता है जो कि इनका खाना होता है।
तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स बाहर से खाना हासिल नहीं करते और इनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ। फिर उसके बाद हमने पढ़ा जी यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, इसी चैप्टर में आया था यूनिसेलुलर कोलोनियल और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है ऐसे ऑर्गेनिज्म को जिनके जिस्म में खाली एक ही सेल होता है, दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, एमीबा, बैक्टीरिया, यूग्लेना, पैरामीशियम, क्लेमोडोमोनास, ये सब यूनिसेलुलर होते हैं, एक सेल के ऑर्गेनिज्म होते हैं। मल्टीसेलुलर कहा जाता है उन ऑर्गेनिजम्स को जिनकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं, मल्टी मतलब बहुत सारे, बहुत सारे, 200, 2000, 2 लाख, 2 करोड़, 2 अरब, बहुत सारे सेल्स होते हैं, उनको आप कहते हो मल्टी सेलुलर। जितने भी बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, बड़े बड़े प्लांट्स हैं, वो मल्टी सेलुलर होते हैं। फिर इन दो के बीच में एक और आता है कॉलोनियल, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बीच में एक और आता है, उसको हम कहते हैं कॉलोनियल। ये कॉलोनियल क्या होते हैं जी, कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो होते तो यूनिसेलुलर है, एक एक सेल वाले होते हैं, लेकिन आपस में मिलकर कॉलोनी बना के रह रहे होते हैं, यानी कि होंगे एक एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म, लेकिन 100-200 वो एक सेल वाले 100-200 ऑर्गेनिज्म आपस में मिलेंगे और ये 100-200 की एक कॉलोनी तैयार हो गई, इनको हम कहते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म। वॉलबॉक्स हमने इसको एग्जाम्पल में पढ़ा था, वॉलबॉक्स हमने देखा था कि एक वॉलबॉक्स दरअसल एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म है, लेकिन 50,000 60,000 वॉलबॉक्स आपस में मिलकर गोल बॉल की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, ये वॉलबॉक्स की कॉलोनी हो जाती है। तो कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मिलकर रह रहे होते हैं। यूनिसेलुलर और सॉरी कॉलोनियल और मल्टीसेलुलर में क्या फर्क था वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। फिर इस चैप्टर में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था जिसको हमने नाम दिया था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या बताया था मैंने आपको कि जी हमारे जितने भी चीजें होती है दुनिया में वो कुछ इस तरह बनी हुई होती है कि छोटी चीज होती है सबसे छोटी चीज, वो आपस में मिलती है और एक थोड़ी बड़ी चीज बन जाती है, फिर वो बड़ी चीज आपस में मिलेंगी कंबाइन होंगी एक बड़ी चीज बन जाती है। ऐसे एग्जाम्पल भी मैंने आपको दी थी कि जी आपकी ईंटें हैं, आपने ईंटों को मिलाया बिल्डिंग बन गई, बिल्डिंग्स को मिलाया पूरा शहर तैयार हो गया, शहरों को मिलाया तो पूरा मुल्क बन जाता है, मुल्कों को बुलाया तो आपने पूरी दुनिया बन गई। इसी तरीके से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी इसी तरह की ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है, इसको हम कहते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टार्ट होती है जी एटम से, सबसे छोटी चीज होती है एटम्स, केमिस्ट्री में एटम आपने पढ़ा हुआ है, मैंने भी बताया हुआ आपको। फिर एटम्स कंबाइन होते हैं तो बड़ा स्ट्रक्चर बनता है मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स छोटे मॉलिक्यूल्स है तो उनको हम माइक्रो कहते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स है तो हम उनको मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। फिर मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो सेल ऑर्गेनल्स बनते हैं, सेल ऑर्गेनल्स असल में सेल के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो सेल के लिए कोई पर्टिकुलर काम करेंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है खाना तोड़ता है, गॉल्जी बॉडीज होती है मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है चीजें ट्रांसफर करता है, इनको हम कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो सेल बनता है, सेल वो पहली चीज हो जाएगी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें लाइफ पाई जाएगी, यानी कि उससे पहले पहले की चीजें मुर्दा थी। सेल ऑर्गेनल मॉलिक्यूल एटम या नॉन लिविंग, सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया यानी कि जानदार हो गया, लाइफ मौजूद है सेल। फिर सेल आपस में कंबाइन होते हैं टिश्यू बनता है, सेल आपस में कंबाइन होंगे टिश्यू बनेगा, टिश्यू आपस में कंबाइन होंगे ऑर्गन्स बनता है, ऑर्गन्स यानी आपके बॉडी के पार्ट, ऑर्गन्स कंबाइन होते हैं तो सिस्टम बनता है, सिस्टम कंबाइन होंगे तो पूरा एक ऑर्गेनिज्म तैयार हो गया। अब ये पूरा एक ऑर्गेनिज्म तैयार हो गया। अब इस ऑर्गेनिज्म के आगे की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको हम कहते हैं टैक्सोनॉमिक। अब ये जो ऑर्गेनिज्म तैयार हुआ है अगर इसकी मेल फीमेल काउंटर पार्ट मिला दे, यानी अगर ये मेल है तो फीमेल लाके दे दो उसको, फीमेल है तो मेल लाके दे दो, ये कहलाती है स्पीशी। अगर एक ही ऑर्गेनिज्म एक ही किस्म का ऑर्गेनिज्म बहुत सारे जमा हो जाए तो पॉपुलेशन, मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म जमा हो जाए तो कम्युनिटी, मुख्तलिफ कम्युनिटीज में अगर आप नॉन लिविंग थिंग्स भी ऐड कर दो तो वो हो जाएगा इकोसिस्टम, और सारे इकोसिस्टम आप मिला लें तो ये हो जाएगा बायोस्फीयर। ये बहुत बड़ी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने बहुत डिटेल में बनाई है, आपको वीडियोस भी मौजूद है पुरानी, आप चाहे तो मुझसे भी वीडियो ले सकते हो अगर इस टॉपिक को रिवाइज करना। ये पहला चैप्टर था। फिर दूसरे चैप्टर के अंदर वो इतना एज सच काम का नहीं है, बायोलॉजिकल मेथड यानी एक ऐसा मेथड होता है ये जिसके जरिए हम सवालात के जवाब ढूंढते हैं, चीजों को रिसर्च करते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है ऑब्जर्वेशन, फिर होती है हाइपोथेसिस, फिर डिडक्शन होता है, फिर एक्सपेरिमेंट होता है, फिर रिजल्ट होता है, फिर कंक्लूजन हो जाता है।
आपके पास जब कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले आप उसकी मालूमात इकट्ठी करते हैं, इसको आप कहते हो ऑब्जर्वेशन। फिर उन मालूमात की रोशनी में आप एक तुक्का लगा देते हैं, एक स्टेटमेंट देते हैं जो तुक्का है जी, अभी उसको चेक बैक नहीं किया, उसको आप कहते हो हाइपोथेसिस। फिर उस हाइपोथेसिस का आप नतीजा पहले से प्रिडक्ट करते हो, इसको आप कहते हो रीजनिंग। फिर एक्सपेरिमेंट करोगे, एक्सपेरिमेंट का जो डेटा आएगा उसको आप कहते हो रिजल्ट। रिजल्ट दो बातें कर सकता है, या तो आपकी हाइपोथेसिस सही हो जाएगी या गलत। गलत हो गई तो हाइपोथेसिस जो है वो आप दोबारा बनाओगे, सही हो गई तो आप जो है वो कंक्लूजन पे आ जाओगे। तो ये बायोलॉजिकल मेथड था, ये ऐसे जितना काम का नहीं होगा आपके मैथमेटिक्स में। बायोडाइवर्सिटी चैप्टर 3 पढ़ा था हमने, बायोडाइवर्सिटी, ये वाला चैप्टर बायोडाइवर्सिटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। चैप्टर 2 था टैक्सोनॉमिक है। हमने देखा कि हमारे पास दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हमने क्या करा, हमने उनको पहले आइडेंटिफाई करा, उनके करेक्टर्स देखे। हमें महसूस हुआ कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आपस में एक दूसरे से सिमिलर है। कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है वो खाने का मामला सिमिलर है, कुछ का दिखने का मामला, कुछ का बॉडी सिस्टम, सिमिलैरिटीज नजर आना शुरू हुई। तो हमने जब ऑर्गेनिजम्स को देखा, उनको आइडेंटिफाई किया, उनकी पहचान करी, तो हमें पता चला ऑर्गेनिजम्स में सिमिलैरिटीज है। लिहाजा हमने क्या किया, सिमिलर ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप बना दिए। जितने सिमिलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं हम उनको एक ग्रुप में डाल देते हैं। इस ग्रुपिंग को हम कहते हैं टैक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन, सॉरी क्या कहते हैं हम इसको, क्लासिफिकेशन। तो हमने बायोलॉजी में बहुत सारे ग्रुप बनाए हैं। जो सबसे बड़े ग्रुप होते हैं उसको हम कहते हैं किंगडम। सबसे बड़े जो ग्रुप होते हैं दैट आर कॉल्ड किंगडम्स। फिर हर किंगडम में आप जाते हो, जब आप किंगडम के अंदर जाओगे तो आपने किंगडम को भी मजीद डिवाइड किया हुआ है। जैसे हमने साइंस को 3 हिस्से किए हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। फिर आप जब बायोलॉजी में जाते हो तो आपने वहां बायोलॉजी के भी और से बहुत सारी ब्रांचेस बनाई हुई, जूलॉजी, बॉटनी। इसी तरह जब आप किंगडम में जाओगे तो आपको पता चलेगा किंगडम के अंदर मजीद ग्रुपिंग। किंगडम्स के अंदर जो ग्रुप पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं फाइलम। किंगडम के अंदर जो आपको ग्रुप मिलेंगे उनको आप क्या कहोगे, फाइलम। फिर फाइलम के अंदर भी ग्रुप बने हुए होते हैं उनको आप कहते हो क्लास। फिर क्लास के अंदर ग्रुप बने हुए होते हैं उनको आप कहते हो ऑर्डर। ऑर्डर्स के अंदर के ग्रुप को आप कहते हो फैमिली। फैमिली के अंदर पाई जाती है जीनस, और जीनस के अंदर पाई जाती है स्पीशीज। पूरी तरतीब है, इस तरतीब को हम कहते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की पूरी तरतीब हो गई, क्या है जी, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीशीज। ये पूरी तरतीब कहलाती है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। फिर उसमें हमने किंगडम्स को पढ़ा था, किंगडम्स को हमने पढ़ा था। हमने देखा था कि शुरू में बायोलॉजिस्ट ने 2 किंगडम्स बनाए थे, कार्ल लिनिस। फिर उसके बाद 3 किंगडम्स बन गए थे। फिर उसके बाद 4 किंगडम बन गए थे, और आखिर में 5 किंगडम बनाए। ठीक है जी, 3 किंगडम, 2 किंगडम जो है वो आपके उसने बनाए थे, कार्ल लिनिस ने। 3 किंगडम बनाए थे अर्नेस्ट ने, 4 किंगडम बनाए थे कोपलैंड ने, और 5 किंगडम जो है वो रॉबर्ट विटिकर ने बनाए थे। तो जो 5 किंगडम्स है आज की तारीख में, वो 5 किंगडम्स चलाए जाते हैं। आज हमारे पास बायोलॉजी में किंगडम्स की तादाद कितनी है, 5, 5। कौन कौन से 5 किंगडम्स थे जी, किंगडम मुलेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाए, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया। अब हर किंगडम में क्या करेक्टरिस्टिक्स थी, या आपको याद होगा, आसान चीज थी, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं थी। पहला किंगडम था मुलेरा, इसके अंदर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते जो कि यूनिसेलुलर होते। दूसरा किंगडम था किंगडम प्रोटिस्टा, इसमें यूनिसेलुलर होते हैं जो यूकैरियोटिक होते। जितने भी यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक है किंगडम प्रोटिस्टा में होते हैं। किंगडम फंजाई की बात करें तो इनकी क्या करेक्टर्स होती है, ये मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉप होते हैं। कौन से, एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉप, और सेल वॉल इनका जो है पाया जाता है। एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉप आपको याद होगा, बताया था मैंने कि पहले ये बाहर जिस्म से तोड़ते हैं और फिर टूटा हुआ सिंपल मॉलिक्यूल्स अंदर खा जाते हैं, उनको हम कहते हैं एब्जॉर्ब। प्रोकैरियोटिक भी आप जानते हो, यूकैरियोटिक भी, वगैरह अभी मैं अगले चैप्टर में बताता हूँ। फिर प्लांटी किंगडम की बात करें तो इनके करेक्टर्स क्या होते हैं, ये भी मल्टी सेलुलर होते हैं, ये भी यूकैरियोटिक होते हैं, लेकिन ऑटोट्रॉप होते हैं, सेल वॉल मौजूद होता है। जबकि किंगडम एनिमेलिया के करेक्टर्स क्या आते हैं कि ये मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, फंगस की तरह हेटरोट्रॉप होते हैं, लेकिन फंगस की तरह इनमें सेल वॉल पाया नहीं जाता। फंगस में सेल वॉल होता है, इनमें सेल वॉल नहीं होता। ये 5 किंगडम्स आपको बताए थे।
फिर हमने बात की थी आगे कि जी प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक क्या होते हैं, या ऑटोट्रॉफ हेटरोट्रॉफ क्या होते हैं। ऑटोट्रॉफ हेटरोट्रॉफ मैं आपको बता चुका हूँ, जो खाना तैयार कर सकते हैं वो ऑटोट्रॉफ है, जो खाना तैयार नहीं कर सकते उनका हेटरोट्रॉफ कहते हैं। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर भी बता चुका हूँ, एक सेल वाले यूनिसेलुलर, बहुत सारे सेल वाले मल्टीसेलुलर। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक क्या होते हैं जी, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर आपको न्यूक्लियस नजर आ रहा होगा, क्योंकि उसकी मेम्ब्रेन होगी और वो आपको न्यूक्लियस नजर आ रहा होगा, उसको आप कहते हैं यूकैरियोटिक। और कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया का सेल, ये ऐसे सेल्स होते हैं इनके अंदर आपको न्यूक्लियस नजर नहीं आ रहा होगा। क्यों नजर नहीं आ रहा होगा? क्योंकि न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन नहीं होगी, ठीक है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन नहीं होगी। तो ऐसे सेल्स जिनके अंदर न्यूक्लियस विजिबल होता है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन मौजूद होती है, यूकैरियोटिक कहलाते हैं। ऐसे सेल्स जिनके अंदर न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियस विजिबल नहीं होता, प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं। ये भी टर्म हमने क्लासिफिकेशन में यूज करी। उसके बाद हमने आगे बढ़े, हमने बायोडाइवर्सिटी वगैरह को और टॉपिक डिस्कस किया, लेकिन वो इतने एज सच काम के नहीं है। उसके बाद अब हम बात करते हैं जी अगली इस चैप्टर की, चैप्टर नंबर 4 की। चैप्टर नंबर 4 का नाम है सेल एंड टिश्यू। इसमें आपने दो अहम तरीन चीजें पढ़ी है बायोलॉजी की, एक सेल, दूसरा टिश्यू। ये बहुत काम के टर्म्स होती है बायोलॉजी में, सेल्स और टिश्यू। सेल्स क्या होते हैं आपको बता चुका हूं मैं कि सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी दुनिया में जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर सबसे छोटी चीज जिनसे वो मिलके बने हुए होते हैं उनको हम सेल्स कहते हैं। जैसे अगर आप देखते हो कि दीवार ईंटों से मिलके बनी हुई होती है, आपकी किताब पेजों से, पेजेस से मिलके बनी हुई होती है, इसी तरीके से इंसानी जिस्म, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो जिस्म होते हैं ये छोटे छोटे सेल्स से मिलके बने हुए होते हैं। आपकी बॉडी छोटे छोटे सेल्स से मिलके बनी हुई है, प्लांट्स की बॉडी छोटे छोटे सेल्स से मिलके बनी हुई होती है, और ये फंक्शनल यूनिट यानी कि ये जिंदा होते हैं, ये जिंदा होते हैं। जैसे आप सारे काम करते हो जिंदगी जिंदा रहने के लिए, वही आपके सेल्स भी काम करते हैं। ये सेल्स आपके तरह सांस लेते हैं, आपकी तरह इनको खाना चाहिए होता है, आपकी तरह ये खाना तोड़ के उसमें से एनर्जी निकालते हैं, आपकी तरह ये अपने आप को डिवाइड करके एक सेल से दो सेल बना लेते हैं। तो सेल्स आपके जिंदा सबसे छोटे पार्ट है बॉडी के अंदर। फिर हमने पढ़ा दो किस्म के सेल्स, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, वो तो मैं आपको बता चुका हूं अभी। फिर प्लांट सेल, एनिमल सेल्स, जो एनिमल्स की बॉडी में पाए जाते हैं उसको आप एनिमल सेल कहते हो, जो प्लांट की बॉडी में पाए जाते हैं उसको आप प्लांट सेल कहते हो। एनिमल सेल की, पहले प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में हमने चार बेसिक पार्ट देखे थे। सबसे बाहर होता है सेल वॉल, प्लांट सेल की बात करता हूं, सबसे बाहर होता है सेल वॉल। उसके बाद आता है सेल मेम्ब्रेन, फिर सेंटर में, साइड राइट में आपको मिलेगा न्यूक्लियस, मैं आपको दिखा देता हूँ ड्रॉ करके चले।